एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है डे 4 हम लोग का लेंथ का फास्टिंग जो चल रहा है और मैं सुबह उठी हूँ 6 बजे और आज के संडे है तो हम लोग आज चर्च जाएंगे। तो मैं ऑलरेडी तैयार हो गई हूँ, मैंने ब्लैक शर्ट और जीन्स पहना है तो अभी हम लोग जाते हैं चर्च। चलो गाइस, अभी मैं लिफ्ट में हम लोग नीचे जा रहे हैं चर्च जाने के लिए। अभी हम लोग ग्राउंड फ्लोर पहुँच गए। अभी मैंने ऑल्टर पे गार्लैंड डाल दिया है और अभी मैं 3 बजे का नमाज जो है मैं अभी बोलेगी, जो हम लोग का डिवाइन मर्सी चैप्टर है। मुझे एक्चुअली बहुत सारा कमेंट आता है कि आप आपके पर्शियन कैट को कौन सा फूड देते हो, उसका जो भी खाने का रहता है क्या ट्रीट्स देते हैं खाना। तो आज मैं बताइए मैं मेरे लेग को, जो मेरा पर्शियन कैट है ग्रे वाला, उसको क्या खाना देती हूँ। तो ये है पहला उसका ट्रीट्स जो है टेम्पटेशन ट्रीट्स। ये आपको जेप्टो फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे मिलेगा इजीली और इसमें बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं। इसमें टूना आता है, चिकन आता है, सैल्मन आता है, मैक्रेल आता है। तो ये है एक्चुअली 150 का और ये जो है टेम्पटेशन ट्रीट्स, इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू है जो आपके पोशन कैट के लिए बहुत अच्छा है और वो बहुत इन्जॉय करता है जब वो खाता है। तो ये 2 टाइम वो खाता है जो है सुबह, उसको थोड़ा सा मतलब 4 या 6 उसका बीट जो रहता है वो मैं देती हूँ, तो सुबह और शाम को मैं देती हूँ। तो जब भी मैं ये पैकेट को शेक करती हूँ उसको पता चलता है कि उसका ट्रीट्स टाइम हो गया है और उसको एक्चुअली बहुत समझदार है वो मेरा पोशन कैट। तो उसको बराबर उसको खाना का टाइम पता है, उसका ट्रीट्स का टाइम पता है, उसका सुसु पॉटी जो भी टाइम है वो बराबर वो करता है और उसका जो भी है मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। उसको सिर्फ खाना और पानी दे दो और उसका जो भी कैट लिटर है वो छोड़ो, वो हमेशा अपना खुद से ही करता है सब कुछ। तो वॉशरूम भी खुद से ही करता है और फिर बुलाता है। वो एक्चुअली बहुत टॉकेटिव है, बहुत मुझे बर-बर करता है। अगर उसके टाइम पे नहीं मिलता है उसके ट्रीट्स या खाना तो वो पूरा बुलाता है मुझे मियाओ 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 करके। अब भी देखो वो वापस से आ गया है या अभी टेबल पे चढ़ गए। ये देखो ये इधर ही है उसको पता। तो जब मैं प्लेग को मंगाई थी वो अहमदाबाद से आया था मुझे पता है और वो सिर्फ 45 डेज का था और आज वो अभी 3.5 साल का हो गया है। तो वो एक मेरे बच्चे के जैसा ही है, मैं उसको पूरा बच्चे के जैसा ही ट्रीट करती हूँ। उसको किधर में भी मैं जाएगी वो दरवाजे के पास ही रुकता है जब तक मैं नहीं आती हूँ, तो पूरा मेरा बच्चा ही है। तो फिर उसके बाद मैं जब लेके आई उसको 45 डेज का था तो मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि उसका जो भी खाना पीना जो भी है, तो डॉक्टर ने मुझे स्ट्रिक्टली बोला है कि पर्शियन कैट और इंडियन कैट में बहुत सारा फ़र्क है। इंडियन कैट जो है वो पूरा जो भी उन लोग को दे सकते हैं, जो भी खाना पीना मतलब दूध वो सब दे सकते हैं, पर पर्शियन कैट का सिस्टम जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो पूरा वीक रहता है, तो उसको दूध डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो पर्शियन कैट को कभी भी दूध नहीं देने का और ब्लैक जैसा पड़ता गया है। तो जब वो 1 साल 1.5 साल तक उसको मैंने सिर्फ मियाओ का खाना दिया था, मियाओ ड्राई फ्रूट, और जब तक वो 1.5 साल का था तो उसका जो डिफरेंस था ग्रोथ में, तो उसका जो हेयर ग्रोथ था वो पूरा रफ होता गया। तो फिर मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया है, फिर डॉक्टर ने बोला कि 1.5 साल के बाद आप कैट जो फूड खाता है ड्राई फ्रूट
वो थोड़ा चेंज कर सकते हैं, थोड़ा अलग दे सकते हैं, तो वैसे मैंने चेंज किया विस्कस। 1.5 साल का था तभी मैंने डॉक्टर को कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला मुझे कि आप विस्कस दे सकते हो, थोड़ा चेंज कर सकते हैं। और हर बार मैं हमेशा उसका खाना जो है फ्लेवर पे चेंज करती हूँ, कभी मैं चिकन देती हूँ, कभी टूना, तो वो पूरा सूट होता है उन लोगों को। तो एक खाने पे ही नहीं रह सकते कि अगर आप चेंज करते हो उनका खाना, तो वो फिर जो आपका कैट है, पोशन कैट है, पेट, तो वो फिर वो खाएगा नहीं। तो मैंने हमेशा मैंने उसका खाना जो है मैंने चेंज किया है, और ऐसा चेंज डायरेक्ट नहीं किया है। तो अगर उसका जो जूना खाना था मियाव का, तो और नया विस्कस जो मैंने ये पैकेट मंगाया है, तो ये है ओशन फिश। तो इसका प्रोपोर्शन रहता है जब आप खाना चेंज करते हैं पोशन कैट के लिए। तो अगर आप चेंज करना चाहते हो तो आप मियाव का जो खाना है वो आप 70% रखते हो, फिर विस्कस का 30%, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा चेंज, थोड़ा प्रोपोर्शन थोड़ा इंक्रीज करना है। तो वैसे आप लोग चेंजेस कर सकते हैं उन लोग के खाने में। तो मैंने ये टाइम पे ओशन फिश मंगाया है, और फिर इसके पहले मैंने चिकन मंगाया था। और इसका जो ग्रोथ में फ़र्क आया है 1.5 साल के बाद, ये इसका साइज़ हाइट में भी बढ़ा है, उसका कोट भी थोड़ा अच्छा हो गया है पहले से, मतलब शाइनी कोट है, और उसका जो बाल है वो पूरा अच्छे से बढ़ गया एक पर्शियन के कैट के जैसा। तो इसका जो विस्कस का रिव्यू है बहुत अच्छा है, और बहुत लोग यूज़ भी करते हैं, और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू बहुत सारा है, और आपके कैट के लिए बहुत अच्छा है। तो आप विस्कस दे सकते हैं आपके पर्शियन कैट के। दिन हो गया है, ये 3 पार्सल जो था फ्लिपकार्ट से आया था, तो मैंने अनबॉक्सिंग किया ही नहीं इसका। तो अभी यहाँ पे हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये आ गया है रेनी का काजल, जो मैंने मंगाया था, बहुत टाइम हो गया, पर इसका डिलीवरी अभी कल हो गया था, और मेरे को टाइम ही नहीं मिला इसका अनबॉक्सिंग करने के लिए, क्योंकि आपको जैसा पता है मेरा फास्टिंग जो चल रहा है, और इसमें बहुत सारा काम रहता है, मेरा प्रिपरेशन करना पड़ता है खाने के लिए, तो उसके लिए अनबॉक्सिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिला। तो मैंने ये रहने का काजल मंगाया है जो है ट्रू ब्लू, और ये 199 का है। ये आपको जेप्टो पे भी मिलेगा, और फ्लिपकार्ट और अमेज़ॉन, आपको लिंक मैं शेयर करती हूँ। तो ये काजल जो मैंने ऐड देखा था तभी मुझे बहुत पसंद आया, क्योंकि ये जो काजल है ये एस मच प्रूफ, 24 आवर्स प्रोटेक्शन एंड वाटर प्रूफ भी है। तो आप देख सकते हैं ये है ट्रू ब्लू, फिर ये है मैजिक ब्लैक, और ये है बोल्ड ग्रीन। तो मैंने ये 3 काजल जो है मैंने फ्लिपकार्ट से मंगाया, आपको मैं लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में भेजती हूँ, आपको अमेज़ॉन से आप मंगा सकते हो। और अगर आप मेरे कूपन कोड को यूज़ करते हो जो है जैनिस मिनेजेस 25, आपको 25% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो आप डिस्क्रिप्शन से आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो और मंगा सकते हो। ये है स्मच प्रूफ और वाटर प्रूफ। संडे है तो हम लोग थोड़ा राउंड के लिए जा रहे हैं, तो आज मैं मेरा फास्ट जो है और 4 का मैं भारी खोलने वाली हूँ। तो चलो अभी हम लोग रेडी है, तो अभी मैं एंथोन को नीचे मिलती हूँ। अभी हम लोग लिफ्ट के लिए रुके हैं नीचे जाने के लिए, ये लिफ्ट तो पूरा नीचे जगा रहा है, अभी टाइम लगेगा तो ऊपर आने के लिए। बटाटा का बच्ची, और ये है